कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहां जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं? I feel so lost. मैं कब से फोन कर रहा हूं, कम से कम मेरे फोन का जवाब तो दो, आंसर बैक, मैसेज करो, कुछ तो करो। अर्जुन, आई होप सो तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स मिल गए। वो भी लिसन टू मी। देखो अर्जुन, मुझे तुमसे कोई डिस्कशन नहीं करने। प्लीज उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और मुझे इस रिलेशनशिप से फ्री करो, प्लीज। ओवी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता। जस्ट हेलो ओवी, हेलो trying to call is currently switched off. Pura episode dekhiye Zee5 par. Jairam ji ki malik. Are Soham, कहाँ था तू? अरे मालिक, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बतियाएंगे। अच्छा ठीक है, चल अब काम पे लग। ये ले, ये बक्से उठा और इस पते पर पहुंचा कर आ जा, ठीक है? चल। ठीक है मालिक, आते हैं। दादा कितना हुआ? मैडम 20 रुपए। ये लीजिए दादा। क्या मैडम, मजाक कर रहे हो आप? 1000 रुपए का नोट दे रहे हो? सुबह सुबह बोने के टाइम में मैं कहाँ से छुट्टा लेके आएगा? दादा लेकिन मेरे पास छुट्टा नहीं है अभी। मैडम ऑटो में निकलती हो तो छुट्टा लेकर निकलना चाहिए। दादा आपके पास 1000 का छुट्टा है क्या? अरे अभी तो दुकान खुला है। प्लीज देखो ना, मुझे ऑटो का देना है और मेरे पास छुट्टा नहीं है। अभी अभी दुकान खुला है, अभी पूजा ही कर रहा था आपके सामने में। आपके पास 1000 का छुट्टा है क्या? नहीं मेरे पास नहीं। कितना है मैडम का? 20 रुपए साहब। देखो ना मैडम, 1000 रुपए का नोट दे रही थी, 20 रुपए हुआ है। ये लो। दादा प्लीज देखो ना, मुझे रिक्शा का नहीं है। रिक्शा, रिक्शा चली गई। लेकिन उसका भाड़ा हम दे दिए। ये लो। आप ही 1000 का दे रही है हमरे को? क्योंकि तुमने मेरे रिक्शा का भाड़ा दिया ना, इसलिए। हम सिर्फ 20 रुपए दिए हैं, आप हमरे को। जानती हूँ, इसलिए अपने 20 रुपए रखो और बाकी मेरे पैसे लौटाओ। अरे नहीं, 1000 का छुट्टा हमरे पास। तो इस 1000 का छुट्टा कराओ, उसमें से अपने 20 रुपए रख के मेरे बाकी पैसे लौटाओ। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। हम ही के नौकर जो एक छुट्टा ढूंढते फिरेंगे। अगर आई की डॉक्टरनी नहीं होती ना, तो ऐसा सबक सिखाते कि जिंदगी भर याद रखती। आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। वो विनोद का ऑफिस अपने घर से ना बहुत दूर पड़ता है, तो उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो वो ऑफिस बहुत लेट पहुंचते हैं, इस वजह से वो लोग उनकी देख के ना आधी सैलरी भी काट लेते हैं। तो हमने सोचा उनके लिए कार ले लेते हैं। हमने वो जो जयचंद जी है ना, उनसे लोन के बारे में बात भी कर ली है। वहिनी, मैं पहचानती हूँ उस आदमी को, वो सही आदमी नहीं है। मुझे लगता है आप बैंक से लोन लेंगी ना, तो वो सेफ रहेगा। देखो वर्षा, हमने उस आदमी से बात कर ली और अजीत उसे बहुत अच्छी तरह जानता है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन फिर भी बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा और उनके काफी सारे स्कीम्स भी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप उस आदमी से लोन लेके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मैं गलती कर रही हूँ? वर्षा, तुम हमारी गलतियों की छोड़ो, जरा अपनी गलतियों को देखो। और तुमने गलतियां कहा, तुमने तो गुनाह किया है। अपनी बहन के बेटे को चुरा कर ले गई और उसे बनाया भी तो क्या, गुंडा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर पर आकर रह रही हो, वो भी ठीक है, चलो रहो। लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करोगी, तुम्हें किसने हक दिया है बताओ? वहनी,
ये क्या कह रही है तू? तू इस पर उंगली उठा रही है, तुझे अपने दोष दिखाई नहीं दे रहे? तूने एक मौका नहीं छोड़ा है मुझे और मेरी बेटियों को तकलीफ देने का। तू भूल गई सब कुछ? मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा था तूने। इतना ही नहीं, इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी, ये घर हड़पने की कोशिश की थी, सब भूल गई? मैंने तो तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, क्योंकि मैं किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसे यहां रहने से तुझे क्या तकलीफ है। मैं मानती हूँ कि इसने गुनाह किए हैं, लेकिन उसका प्रायश्चित भी तो कर रही है। तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना, आई ने आज आपके लिए स्पेशल टिफिन भेजा है। अरे अब्बा, आई का स्पेशल खाना और तू लाई है हमारे लिए, क्या बात। और आई ने ये भी कहा है जब टिफिन देने जाओगी तो सोहम दादा की फेवरेट सब्जियां लेते आना। ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट दी है। वैसे एक बात है, जब से आप घर में आए हो ना, आई तो हमें भूल ही गई है। सोहम को क्या पसंद है, सोहम कौन कौन सी सब्जियां खाएगा, सिर्फ आप ही की चिंता रहती है। एनीवेज, आप ये खाइए, मैं सामने से सब्जी लेके आती हूँ। आराम से जाइए। अरे वाह, क्या आइटम है। भिंडी कैसी दी है? 40 रुपए किलो। भिंडी लेने आई है, खुद भी तो भिंडी के जैसी है। मैं अभी आती हूँ। अरे थोड़ी सब्जी हमारे साथ। इस तरह से गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान करके तू अपनी आई का स्वागत कर रहा है? ऐसे जाहिल और आवारा लड़के को मैं मेरा पोता नहीं मान सकती। ये लड़का गुंडा है और हमेशा गुंडा ही रहेगा। सोहम दादा को क्या हो गया? ये उन गुंडों से पिट क्यों रहे हैं? पहले इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता था तो ये उसकी धुलाई कर देते थे। दादा, आपने उन गुंडों को पीटा क्यों नहीं? ऑनर, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं। ऑनर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं अपनी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी अकेले बिताने वाली थी, लेकिन आप मेरी जिंदगी में आए, मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी की, मेरी बच्ची तक को अपना नाम दिया, मेरे परिवार वालों का दिल जीता। मैं तो भगवान की तरह आपको पूछने लग गई थी ऑनर। बहुत अच्छा हुआ जो मेरी आंखें वक्त रहते खुल गई। ऑनर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना पास्ट मुझसे क्यों छुपाया? क्यों शालिनी के बारे में मुझे नहीं बताया पहले? मिष्टी, जब मेरी तुमसे शादी हुई थी तब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है? नहीं तो फिर तुम मेरे पास के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों कर रही हो? हाँ, अरे मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताइए। अब तुम्हें पता चल गया ना, शालिनी मेरी पत्नी है और यही सच है। इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। I'm sorry कि मैंने आपको रोका। आप तो वो ऑनर है ही नहीं जिनसे मैंने शादी की थी। सॉरी मिस्टी, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। एक्चुअली तुम्हारे हर क्यों का जवाब। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।